अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रवि और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बताते चले कि 2020 विधानसभा इलेक्शन का आखिरी चरण सीमांचल में होना है और सभी पार्टियाँ अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं और कुछ पार्टियाँ भी बाकी हैं। पूर्व मुखिया शाहिद साहब, जो कि कोचाधन विधानसभा से राजद के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनसे मिलने आज हजारों की तादाद में जनसैलाब उमड़ के आई और इस चीज़ को दिखाया कि आज भी राजद कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में है। साहब, नगर अध्यक्ष इफ्तखार आलम साहब, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस चंद बातों के बाद मैं अपने बातों को खत्म करूंगा, इसलिए कि ज्यादा वक्त नहीं है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो कभी फिर आप लोगों के बीच अपनी बातों को पूरी तफसील के साथ रखूंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो मुल्क की हालत है, जो देश का जो हालत है, उसको देख करके हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हम लोगों को जो भी धर्म के नाम पर बांटने के लिए आता है, हमें उनसे बचने की जरूरत है। कोई भी धर्म बुरा नहीं है, सब धर्म एक ही है। चाहे वो टीका लगा करके आए, चाहे वो टोपी पहन करके आए, और वो धर्म के नाम पर अगर बांटता हो तो उनसे हमें बचने की जरूरत है, उनसे हमें सावधान होने की जरूरत है। और हमारे आदरणीय नेता श्री लालू यादव जी, जो सबसे बड़े कौमी यकजहती के अलंबरदार हैं, उन्होंने बिहार के इस सरजमीन में जब आरएसएस के लोग आ रहे थे, उनको रोकने का काम किया था, और आज हम लोग भी उन जैसों को रोकेंगे, चाहे वो मुस्लिम आरएसएस हो, चाहे वो हिंदू आरएसएस हो। इसलिए हम लोगों को आरजेडी के हाथ को मजबूत करना है, और उनका जो बेटा श्री तेजस्वी यादव जी को पूरी तरह से मजबूती के साथ हम लोग पूरा अपना समर्थन देंगे, और आरएसएस के विचारधारा पर चलने वाले फासिस्ट ताकतों को हम लोग बिहार से दफा कर देंगे इंशाअल्लाह। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय राजद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इंतजार कर रहे थे हम लोगों का, और पूर्णा मुझसे भी 4 बजे की बाधी था, तो भाई जो हम लोग को दावत दिए थे 4 बजे की बाधी था, और यहाँ पे जितने लोग मौजूद और हमारे साथ चल करके किशनगंज से आए बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष और जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भाई सरवर आलम साहब, कामरान मोहजम साहब, जय मिश्र साहब जो काफी देर से अपनी बात को रख रहे थे, रियाज भाई साहब और जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज भाषण देने का दिन तो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन अभी का कुछ टाइम बाकी भी है, इलेक्शन का दिन बाकी है। हम लोगों को एक मुहिम अभी हम लोग चला रहे हैं, जो आरजेडी के हर एक कोने कोने में हमारी एक लोग पैदा हो और हम लोगों की मजबूत ताकत बने। आरजेडी एक ऐसे पार्टी है, लालू यादव की एक ऐसी यानी कि ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो सबसे दूर, मान लीजिए जो सुदूर इलाके में, जो सबसे निचले स्तर पे जो लोग खड़े थे, उनको सबसे पहले उनको
आगे करने का काम किया है, ये है लालू प्रसाद यादव। मुझे इनकी विचारधारा कभी आरएसएस से नहीं मिलता है, इनके विचारधारा कभी जाति के नाम पर नहीं होता है, धर्म के नाम पर नहीं होता है। ये गरीबों का मसीहा रहा है और मसीहा बनकर वो आज जेल की सलाखों में बंद करके रखा है। ये भाजपा की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, इनको मैं ललकारना चाहता हूँ कि अगर आप लालू प्रसाद को नहीं निकालते हैं तो बिहार के बच्चे लालू प्रसाद बन करके खड़ा होंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। और लालू प्रसाद की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थे जो गरीबों को, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को वो बेहतर बनाने का काम किया। आज कोई भी पार्टी आता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेके चले आता है, वो वोट तो देते हैं आप क्योंकि आपके अंदर में एक जज्बात पैदा होता है, खून गर्म होता है, चाहे वो हिंदू भाई हो अगर सुन रहे हैं, वो भाजपा को वोट देने का काम करता है क्योंकि उनके जो भाजपाई जो एजेंडा है उनको उनके नेता बताते हैं और अपने बताने की वजह से वो अपने भाजपा को वोट देते हैं। लेकिन भाजपा को वोट तो जरूर देते हैं लेकिन आपका 5 साल तक वो वोट कोई काम का नहीं होता है क्योंकि आपके जो नेता आपने बनाया, जो वोट दिए, वो आपके बीच में नहीं आता है। आपके ऊपर में जो भी समस्या होता है वो अपने आप अपने से आपको करना पड़ता है, चाहे वो ब्लॉक स्तर का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटलाइज का काम हो, चाहे वो किसी भी जो है विभाग में चले जाइए, आपको अपने से पैसा दे करके आपको करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं दें बल्कि हम जो है एक अच्छे रहनुमा को वोट दें, अच्छे रहनुमा को वोट दें जो हमारे काम के काम आए, जो हमारे यहाँ के रुपड़ी हाट के और जो बैगना के लोगों की समस्या को सुने, हर वक्त सुने, उसको वोट देने का काम करें। ये नहीं कि आप जज्बात में आकर के वोट दे दें फिर आपका वो वोट कोई काम का नहीं हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं आज संगठन का जो काम है वो भी हमको करना है, हम और नहीं बोलेंगे कुछ, बस इलेक्शन आने दीजिए फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के बीच आएंगे। अब हम दावत सुकून जिला अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि वो भी अपनी बात को रखेंगे और हम लोगों को फिर आपसे रुखसत भी होना है। तो बड़े भाई जिला अध्यक्ष प्रवर साहब वो अपने बात को रखेंगे, ताली से उनका स्वागत कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।